This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज है 10 फरवरी 2022 और मैं निशा आप सबके सामने लेकर आई हूँ कागज नगर की ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अंडरआर्म क्रिकेट खिलाड़ियों ने मांगी मदद, कागज नगर लाइब्रेरी में सदस्यता अभियान। कल फिर से 4 लोग बाइंड ओवर, रेगुलर डिग्री का टाइम टेबल जारी। TRS और BJP में कलह, BJP छोड़कर नहीं जाने वाला डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल जिले के अंडर आर्म क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपना दुख जाहिर करने के लिए कलेक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के पास जीतने का जज्बा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेलने के लिए जो सामान चाहिए वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए सरकार की ओर से खिलाड़ियों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद मांगी, कलेक्टर साहब ने आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। कागज नगर के स्थानीय लाइब्रेरी में कल बहुत सारे बच्चों को सदस्यता दिलाई गई। इन बच्चों की मदद के लिए उन्हें उचित किताब मुहैया कराने का काम स्थानीय लाइब्रेरी का है, ऐसा लाइब्रेरी प्रशासन ने कहा। बच्चों और युवाओं को लाइब्रेरी में सदस्यता लेकर उसका सदुपयोग करना चाहिए, रेगुलर रूप से किताबें पढ़नी चाहिए। लाइब्रेरी में प्रतिदिन अलग अलग तेलुगु और अंग्रेजी न्यूज़पेपर आते हैं, उसे पढ़ना चाहिए, इससे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जानकारी बढ़ती है। लाइब्रेरी जनता की संपत्ति है, इसका सदुपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान इन लाइब्रेरी में रखे किताबों से निकाल लेते हैं। क्या पता आपके किस्मत का ताला खोलने वाली किताब कागज नगर की ही लाइब्रेरी में मौजूद है, वहाँ जरूर जाए और मेंबरशिप फीस भरकर लाइब्रेरी का फायदा उठाए। कल आबकारी विभाग ने मानेपल्ली में 4 लोगों को दबोचा। देशी शराब बनाने वाले इन लोगों को तहसीलदार के कार्यालय में ले जाया गया, तहसीलदार ने इनको बाइंड ओवर कर लिए। 1 साल का बाइंड ओवर पीरियड रखे है, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो 2 लाख रुपए की फाइन लग जाएगी। प्रशासन अभी 2 नंबर का धंधा करने वालों पर सख्त है और कड़क रवैया अपना रही है। त्रिशूल पहाड़ पर मौजूद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने जारी किया एग्जाम टाइम टेबल। CBCS स्कीम के तहत सेमेस्टर एग्जाम लिखने वालों की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होंगी, इसकी टाइम टेबल भी जारी की जा चुकी है। बच्चों को एग्जाम की तैयारियां शुरू करने को कहा गया है। आपको यदि इस टाइम टेबल की जानकारी व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप 7386476917 नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत एकेडमी की हेल्पलाइन डेस्क आपकी मदद करेगी। फिर से आपको नंबर बता रही हूँ, ध्यान से नोट कीजिए, 7386476917। जब संसद के बजट सत्र में कांग्रेस ने भारत को एक राष्ट्र के बदले राज्यों का समूह बोल दिया, तो इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को भारतीय राष्ट्र का एक हिस्सा कहा। उन्होंने कहा कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियां आजकल अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते भारत सरकार को आंखें दिखा रही है, वो भारत सरकार की ना सुनते हुए अपने राज्य के लोगों पर अपना एजेंडा थोप रही है। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टी तो सिर्फ बाप बेटे भाई भतीजे चला रहे हैं, राज्य का विकास करने की जगह परिवार का विकास कर रहे हैं। जब मोदी ने ये बयान दे दिया तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को इससे दुख पहुंचा है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए मोदी पर तानाशाह बनने का आरोप लगा दिया। मोदी के पुतले कल पूरे तेलंगाना में TRS के कार्यकर्ताओं ने जलाए। वहीं BJP ने पलटवार करते हुए कल कहा कि सच कहने से TRS के नेताओं को मिर्ची लग गई। उन्हें जब कलवा कुंटला खानदान का नौकर बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें TRS के कार्यकर्ताओं की मजबूरी है। आज जहां भी TRS के लोग पहुंचते हैं वहां गुंडई होती है, वहां जनता परेशान रहती है। युवाओं को नौकरी नहीं, बूढ़े को पेंशन नहीं, पेंशन के फॉर्म पेंडिंग, बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग, दिव्यांगों के सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन पेंडिंग, केंद्र सरकार की स्कीमों को खुद का नाम दे देने का शौक,
दिन भर फालतू में केंद्र सरकार को कोसते रहना, यही सब अब टीआरएस के लोगों का काम बनकर रह गया है। आज भी ऐसे कार्यकर्ता मौजूद है तेलंगाना में, जो कि विधायकी में तो टीआरएस को वोट देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन होता है तो चुपके से बीजेपी को वोट देते हैं। केसीआर जल्द ही इन कार्यकर्ताओं का भरोसा खो देंगे और इन कार्यकर्ताओं को वो अपना नौकर समझ रहे हैं। वहां पर ये कार्यकर्ता जल्द ही बगावत करके भाजपा को जिताएंगे, ऐसा बीजेपी नेताओं ने कहा। आज की आखिरी खबर भी सियासी है। कल कागज नगर के एनटीआर चौक पर बीजेपी के नेता डॉक्टर पालवाई हरीश पहुंच गए। उन्होंने संविधान सम्मान कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि काफी लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि पालवाई हरीश जल्द ही बीजेपी छोड़कर भाग जाएंगे, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये बातें स्पष्ट रूप से गलत है, ऐसा हरीश बाबू ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस या टीआरएस में जाएंगे तो उन्हें जो वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री केसीआर संविधान को पूरी तरह बदल देने की बात करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, वहीं दलित बंधु का लालच देकर उन्होंने इस स्कीम को सिर्फ चुनावी स्टंट बना दिया। हुजूराबाद उपचुनाव में दलित बंधु लॉन्च करके वहीं पर लागू किया, बाकी तेलंगाना में उसे लागू नहीं किया। दलित बंधु के लिए टीआरएस सरकार पैसे कहां से लाएगी? हर दूसरे तीसरे महीने टीआरएस सरकार दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगती है। आज तेलंगाना 4.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। आरटीसी हो या सिंगरेनी, हर संस्था को केसीआर ने आगम कर दिया। दलितों को दलित बंधु का लालच देना, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का लालच देना, कागज नगर के बंगालियों को उनका हक से वंचित कर देना, उनके साथ पराया व्यवहार करना, जमीन पर कब्जा करना, प्रोजेक्ट के पैसे जेब में मार देना, यही सब केसीआर कर सकते हैं। आज लोग उनका मजाक बना रहे हैं। कांग्रेस का पत्ता तो पहले ही कट गया है, उसके खुद के कार्यकर्ता राहुल गांधी से नाराज है। पार्टी ना ही फंड देती है, ना ही कोई लीडरशिप है। जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, पालवाई ब्रांड पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, बंडी संजय पर भरोसा है। ऐसे में अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिरपुर तालुके में जीतने जा रही है। पार्लियामेंट इलेक्शन में इसी जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से जिताकर अपना सांसद चुन लिया है। जनता को अब कमल का फूल पसंद आने लगा है। बिना जात पात देखे, बिना धर्म देखे अगर सड़क बना रही है तो सिर्फ बीजेपी बना रही है। गैस कनेक्शन दे रही है तो सिर्फ बीजेपी दे रही है। बिजली और पानी पहुंचा रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही पहुंचा रही है। मैं बीजेपी छोड़कर किसी पार्टी में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊंगा, ये लिख लीजिए, ये फाइनल बात है। कोई भी झूठ फैलाए उस पे भरोसा ना करे, ऐसा डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने कहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। धन्यवाद।